अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका डीएवी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, इसमें मैंने ऑल ओवर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, जिसमें आप अपना ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उसको कहाँ पर सबमिट करवाएंगे, स्पीड पोस्ट करेंगे या फिज़िकली देंगे काउंटर पर, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन आपको फ़ीस के कब करनी पड़ेगी। ऑल ओवर ऐसे डाउट्स हैं जो मैंने सारे आपके क्लैरिफाई कर दिए, इंक्लूडिंग कि जिन्होंने सीबीटी पहले से क्वालिफाई किया उनको सीबीटी देना होगा या नहीं देना होगा। उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जो मेरे पास मैक्सिमम क्यूरीज आ रही हैं अब, वो ये आ रही हैं कि सर, हमने पीआरटी का फॉर्म फिल करना है, तो क्या हम बीएड वाले पीआरटी फिल कर सकते हैं या डीएलएड वाले ही कर सकते हैं, एंड हमने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया, क्या उसके अलावा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग देर आर सो मैनी अदर डाउट्स जो मुझे काफ़ी कमेंट्स पे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कैंडिडेट्स के। तो उसी का मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके सामने आज शो करूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ बहुत आ रही है कि सर, हम बीएड परसुइंग में है, परसुइंग में देखिए, अगर तो आपका रिजल्ट अवेटेड है या लास्ट सेमेस्टर में है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो एक बार आप उस स्कूल से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं या जोन में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से एक बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तो बाकी नहीं वहाँ से मिलती, हमारे थ्रू भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी जो भी आपके न्यू अपडेट्स रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स, साथ के साथ तो वीडियो हम नहीं अपलोड कर सकते, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग जितने भी अभी तक एडवर्टाइजमेंट आए हैं ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, आपको वहाँ से मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सभी स्टेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। सो मिनिमम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट कौन कौन सी है, सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट है, दूसरी साइड है रिक्वायर्ड कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एनटीटी के लिए, बाल वाटिका टीचर के लिए, यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए विद एनटीटी 2 ईयर्स, अगर ये आपके पास नहीं है, स्लैश का मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो, यहाँ तो चाहिए आपका बीलड का यहाँ पर कोर्स, यहाँ चाहिए डीएलएड मीन टू से ईटीटी, एक दो या तीन, तीनों में से एक होना चाहिए। और ये एनटीटी मदर टीचर और बाल वाटिका टीचर सेम है, सभी की क्वालिफिकेशन सेम रहेगी जो मैंने आपके सामने अपीयर। सेकंड, पीआरटी टीचर्स, जो मैक्सिमम मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं कि सर, हमने डीएलएड किया है तो क्या हम पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए पीआरटी के लिए जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो है आपकी बीएड, इंक्लूडिंग बीएड, और सीटेट इसमें मांगा जा रहा है, सीटेट अपीयरिंग वाले भी फिल कर सकते हैं नो इश्यूज, और स्टेट एट वाले भी कर सकते हैं। अगर आपका सीट एट नहीं है, स्टेट एट है तो भी आप एलिजिबल है, अगर स्टेट एट नहीं है, सीट एट है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर दोनों में से कोई नहीं है परसुइंग है तो भी आप एलिजिबल हैं, बाकी डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। और सीट एट का पेपर 1 चाहिए पीआरटी के लिए। हाँ, अगर आप बीएड वाले हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स आपको जो पीआरटी के लिए पेपर 1 है जो बीएड वालों के लिए, वो नहीं है बीएड वालों के लिए, सिर्फ पेपर 2 है, तो उसके लिए ऑफिशियल भी आप हमसे ले सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट, टीजीटी के लिए बीएड चाहिए मिनिमम विद ग्रेजुएशन, और सीटेट या एसटेट आपको चाहिए, अगर सीटेट है पेपर 2, अगर एसटेट है तो जो भी आपका स्टेट का टेट है वो चलेगा, मतलब दोनों में से कोई एक। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन विदाउट सीटेट एसटेट, अगर है तो वेल एंड गुड है। आर्ट्स पीआरटी के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स चाहिए और मास्टर चाहिए, अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहें। म्यूजिक पीआरटी टीजीटी के लिए, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो म्यूजिक के लिए, इन्होंने यहाँ एक्सपीरियंस यहाँ 5 ईयर्स दिखते हैं, ग्रेजुएशन इन म्यूजिक डिप्लोमा बाई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज, जो कि 5 ईयर्स का है इसमें, और अगर नहीं है तो पीजीटी के लिए आपकी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। डांस पीआरटी के लिए आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपका चाहिए यूनिवर्सिटी से 5 ईयर का, डांस टीजीटी के लिए चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन पर्टिकुलर डांस फॉर्म। पीआरटी टीजीटी और पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपकी बीपीएड मिनिमम है 40, पीआरटी टीजीटी के लिए एमपीएड है, और टीजीटी के लिए एमपीएड विद आपका स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलर गेम में होना चाहिए। काउंसलर वेलनेस हेल्थ टीचर के लिए ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट, कैरियर
गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंक्लूडिंग बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। लाइब्रेरियन ग्रेड 1-2, इसकी बहुत से मेरे पास कमेंट्स आते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 का सर क्वालिफिकेशन क्या है, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का क्या है, एलडीसी काउंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अब ये जो पोस्टें मैं आपको बता रहा हूँ, एलडीसी, यूडीसी, लाइब्रेरियन, इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज कंपल्सरी है जो मांगते हैं, और साथ में इंग्लिश फ्लुएंसी भी इसमें मांगते हैं। इंग्लिश तो चलिए ज़्यादा नहीं, बट ये कि आपको बोलनी और समझनी आनी चाहिए, नॉट बिल्कुल एक्यूरेटली, लिटिल बिट। तो लाइब्रेरियन के लिए एमलिप चाहिए और ग्रेड टू के लिए बीलिप चाहिए, ग्रेड 1 और 2। एलडीसी अकाउंट्स के लिए कमर्स में चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंट्स में, और एडमिनिस्ट्रेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड ड्राफ्टिंग विद ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। ड्राफ्टिंग मीन्स आपको लेटर वगैरह ड्राफ्ट करने आने चाहिए, जैसे आप लेटर हेड पे प्रिंट करते हैं, लेटर हेड में आपने देखा है टॉप पे जो उनका स्कूल का एड्रेस होता है या जो भी आपका लेटर हेड होता है उनसे आप कितना मार्जिन नीचे रखेंगे, ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेटर ड्राफ्ट करते समय साइज़ कितना होना चाहिए, फॉन्ट कितने होने चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, ऐसी चीज़ें। यूडीसी के लिए कमर्स में ग्रेजुएशन चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें टैली वगैरह भी मांगते हैं। और इसमें जो एलडीसी अकाउंट्स है इसमें भी टैली का काफ़ी ज़्यादा जो सीबीटी है उसमें आएगा सिलेबस वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा सिलेबस वगैरह जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कमर्स में नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग, वही लेटर्स वगैरह, सीबीएसई के जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, टैक्सेशन है, बजटिंग है, एक्सपीरियंस 5 ईयर्स के इसमें मांगे, और असिस्टेंट की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। नर्स के लिए कॉमन आपको पता ही है। रिसेप्शनिस्ट के लिए वही ग्रेजुएशन, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सो ऑन। लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, बीएससी होनी चाहिए, ये आपको पता है लैब असिस्टेंट के लिए। और लाइब्रेरी के लिए आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन साइंस विद। तो ये थी इनकी डिटेल्स। तो इसमें मिनिमम आपकी 50% ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। तो यह पूरा जो स्क्रीनशॉट आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा इसके पीडीएफ, बाकी आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो से और आप इसको रीडअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू अप्लाई इन डिफरेंट डीएवी स्कूल्स और अदर स्कूल्स। तो इसके लिए उसको करके देखिए, कोई भी अदर आपकी क्यूरीज या क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। और सैलरी क्या रहेगी, कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स जल्दी मैं अपडेट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई भी फर्दर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।